नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। एससीपीआरपी गर्ल्स कॉलेज सिरकुंडा के ट्रस्टियों के बीच काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कॉलेज भवन का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। आज इसी विवाद को लेकर कॉलेज की चेयरपर्सन सीमा कुमार ने प्रेस वार्ता की और विवाद के बारे में विस्तार से चर्चा किया। ट्रेनर हैं श्री झा जी, विभूति भूषण झा, विभूति भूषण झा, और हमारे लीगल एडवाइजर सीबीआई एजुकेशन एक्सपेंशन रिसर्च सोसाइटी के हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं श्री विशाल विशाल कुमार, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं दिल्ली, विशाल कुमार ये हमारे लीगल एडवाइजर हैं। हम लोग सोसाइटी का जो भी लीगल प्रॉब्लम जो भी होगा उसको विशाल कुमार ही देखेंगे। उनका दुखद निधन के बाद श्रीमती सीमा को एसीपीआर को एजुकेशन एक्सपेंशन एंड रिसर्च सोसाइटी का चेयरमैन मनोनीत किया गया और ये कॉलेज के विकास में लगी हुई है और ये कॉलेज का विकास चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। उनको शिक्षा से सबसे लगाव है, माता के अनुरूप भी कार्य करती हैं, इसलिए ये हमारी चेयरमैन हुई श्रीमती सीमा। भवन की भी व्यवस्था हमारी हो रही है और इसमें हमारे प्रशासन के लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें इसी दृष्टिकोण से मैंने वहाँ रिजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि वह आवासीय रूप ले चुका है। मैडम ने उसको बिल किया, मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उस भवन को मैडम ने बिल कर दिया था और बिल करने के बाद उनके पुत्र श्री शरद चंद्र ने ऊपर का जो ये है उसमें उन्होंने उनके पास बिना चाहिए कोई उपाय नहीं था तो उन्होंने अपना ये कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि कॉलेज के लिए जगह की कमी हो गई। उस समय भी श्रीमती सीमा ने कहा कि जगह की कमी हो जाएगी तो कॉलेज कैसे चलेगा, कैसे कॉलेज का विकास कैसे होगा। ये शुरू से कह रहे हैं कॉलेज के विकास के लिए, ये शुरू चाहती है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे सदस्य हैं वो लोग कॉलेज का विकास नहीं चाहते। आपको तो पता ही है मुद्दा किस चीज़ के बारे में है, हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए इसके बारे में तो जानकारी होगी। तो इस सिलसिले में जो दीपा प्रसाद ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन और वट एवर शी हैज डन उसके सिलसिले में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम ये बताना चाहते हैं जिसके ऑन माई बिहाफ जो हमारे लीगल एडवाइजर है लीगल सोसाइटी के जो लीगल एडवाइजर विशाल यू विल ब्रीफ यू डाउन। आप सबों को जैसे पता है कि ये एक सोसाइटी है क्योंकि सोसाइटी एक्ट्स के अंदर में गवर्न होता है। जो बेसिक मुद्दा है सोसाइटी का, सोसाइटी टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड सोसाइटी टू प्रोसिक्यूट, यानी अगर हम सोसाइटी के खिलाफ कोई केस करना है या सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी किसी के ऊपर केस करना चाहेगा हमेशा वो सोसाइटी के अंदर ही होगा, सोसाइटी एक्ट के अधीन होगा। अगर आप इस पूरे विषय में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 6-8 महीनों से जो ये प्रचलन चल रहा है जिसमें कई सारी एलिगेशंस मेंबर्स पे सोसाइटी पे और उनके फैमिली मेंबर्स पे जिस तरीके का एलिगेशन किया जा रहा है, तो इसमें पहले जो चीज़ है वो आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि एक आप पत्रकार हैं और आप न्यूज़ को कवर करते हैं, आपको पता है कि सोसाइटी कैसे काम करता है। सोसाइटी का अकाउंट होता है क्या सर? बिल्कुल होता है सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर। मिस दीपा प्रसाद का जो वर्किंग है, क्योंकि मिस दीपा प्रसाद जो अभी हैं वो एकमात्र एक मेंबर है, उनको किसी तरीके का कोई पोर्टफोलियो या कोई इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं दिया गया। अभी वो मेंबर हैं? अभी भी वो कंटिन्यू एज टू बी मेंबर हैं और उनके ऊपर भी कभी भी सोसाइटी के द्वारा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया कि वो किसी तरीके से सोसाइटी का किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके। उन्होंने बाकायदा अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम प्रिंसिपल की तरह प्रेजेंट किया, ना सिर्फ प्रेजेंट किया बल्कि उन्होंने कई सारे एलिगेशन सोसाइटी के ऊपर लगाया। अगर आप सोसाइटी के किसी मेम्बरान के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर अगर आप किसी तरीके का लांछन या किसी तरीके का एलिगेशन लगाते हैं उसके पूर्व में आपको सबसे पहले एक मीटिंग कन्वीन करना पड़ता है और मेंबर से ऑन मेजॉरिटी आपको रेजोल्यूशन पास करना होता है, तब आप आगे किसी तरीके की प्रोसीडिंग्स को लेकर बढ़ सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में उनका जो भी आरोप है वो पर्सनल लेवल पे है, क्योंकि वो पर्सनल लेवल से ही सारी चीज़ों को परिचालित कर रही है। सोसाइटी में अगर किसी तरीके का कोई गड़बड़ी है, जैसे सर ने अभी पूछा कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल है,
लेकिन डॉक्यूमेंट कहाँ देना है, किसको देना है, ये सारा जो चीज़ है वो कानूनी दायरे के अंदर में आता है। क्या हम सारे डॉक्यूमेंट को पब्लिक इन डोमेन इलाज कर सकते हैं, ये एक सोसाइटी का सवाल है जो सोसाइटी इंटरनली रिव्यू करके उसको पब्लिक करेगी जिसको उसको करना है। अगर किसी मेंबर को, क्योंकि हम सोसाइटी एक्ट से गवर्न्ड होते हैं, अगर कोई सोसाइटी में अगर मिसफंक्शन होता है या मिसमैनेजमेंट होता है या किसी तरीके का एलिगेशन होता है, इसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास होता है। आज तक दीपा प्रसाद ने किसी भी तरीके का कोई भी एलिगेशन सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के सामने नहीं रखा है। उनका जो सीधा सीधा है, उन्होंने एक आरोप लगाया, ठीक है, उस आरोप में उन्होंने पर्सनल एलिगेशन लगाए। पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि सिविल मैटर को वो क्रिमिनल मैटर में एडजुडिकेट करे किसी भी तरीके से। पिछले दो साल से उन्होंने कंटिन्यूस स्कूल इस कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उन्होंने कभी भी जो कंट्रोल उन्होंने लिया, उन्होंने ना कि सोसाइटी के थ्रू किसी रिप्रेजेंटेशन से सीख किया, बल्कि फोर्सफुल, क्योंकि उनको एक कंफर्ट पोजीशन मिला, क्योंकि वो जो रेसिडेंस था राजेश्वरी प्रसाद का, उनमें उनका एक्सेस अवेलेबल था। उन्होंने इस पोजीशन को मिसयूज़ किया, और जब उनको लगा कि क्योंकि वो पोजीशन और प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में है, वो उसी रूप से कॉलेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। हम सब, हम जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कानून से बंधे और कानून के अनुसार ही अपना सारा अनुसरण करते हैं। अगर कभी भी कोई सोसाइटी या कोई इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी का एग्जिस्टेंस क्या है, कानून, एक लीगल जुरिस्टिक एंटिटी है, उसकी एक आर्टिफिशियल एंटिटी जो क्रिएट किया जाता है संविधान के द्वारा। अगर हमारा एक एंटिटी है, अगर मैं वायलेशन करूंगा तो अगर प्रोसिक्यूशन होगा तो मेंबर भी सोसाइटी के खिलाफ होगा, उसकी अपनी बायलॉज होती है। अगर किसी भी मेंबरान के द्वारा अगर किसी बायलॉज का वायलेशन किया जाता है, तो उनको ना सिर्फ एक मेंबर बल्कि एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा वो कार्रवाई की जा सकती है सिविल और क्रिमिनल में, जैसे एक स्ट्रेंजर जो सोसाइटी को डैमेज करने के लिए काम करेगा उस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि उन्होंने ना किसी बोर्ड में ना किसी बैठक में जो ये सारा मुद्दा उठा है, क्योंकि आफ्टर जब सोसाइटी की मीटिंग के बाद सीमा कुमार को जब बनाया गया चेयरमैन, ये सारा मुद्दा उसके बाद उठा है, क्योंकि उनको लगा कि उनका स्टे या उनका कितना तारीख को सीमा कुमार को प्रेसिडेंट बनाया सर, 2018 की मीटिंग है। आप लोगों का जो डिटेल है वो हम लोग अपने प्रेस ब्रीफिंग में आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे और देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप डिमांड कर रहे हैं अभी प्रेस में, उसका हम लोग एज अ सोसाइटी हम आपको उसको दे रहे हैं सारी डेट, क्योंकि ऑफ हैंड सारा रिमेंबर नहीं होता डेट्स का, क्योंकि कई मीटिंग्स होती है सोसाइटी, आपको पता है कई सारी मीटिंग्स होते हैं, बुक्स ऑफ मिनट्स सारे मेंटेन होते हैं, तो सारे रिकॉर्ड पे, क्योंकि अगर एक सोसाइटी रन कर रही है तो सोसाइटी जो रन होती है वो अंडर द लॉ होती है, उनकी सारी बुक्स जो है वो मेंटेन है ऑन रिकॉर्ड पर है, और वो जो भी होगा जब भी अथॉरिटीज कॉल करेंगे तो उसके सामने वो समक्ष पेश भी करेंगे और उसका सबूत भी देंगे कि भाई जो भी सोसाइटीज एक्ट के अंदर में प्रावधान है उसका बाकायदा अनुपालन करते हुए सारी की फ्रॉड, ठीक है, गलत तरीके से कब्जा करना कॉलेज पे, नंबर 3 जान से मारने की धमकी देना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारी चीज़ों का इन्होंने एलिगेशन लगाया। अगर किसी तरीके का कोई गड़बड़ी सोसाइटी में था तो उसका निपटारण जो है सोसाइटी एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी करते हैं, उनके पास हो जाती, उन्होंने उनके सामने समझ किसी के सामने उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं रखा। बोर्ड जो कंस्टिट्यूट होता है, जो मेंबर्स के बोर्ड का एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके सामने किसी तरीके का उन्होंने कोई पेशकश नहीं की, ना तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने स्ट्रेट अवे जाके एक पुलिस कंप्लेन दी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री को कोई कंप्लेन भेजा जिसकी हमें कोई जानकारी दी पुलिस को भी हमने, तो वो जो कंप्लेंट और जो न्यूज़ था वो पब्लिश हुआ था न्यूज़ में, तो क्योंकि हम ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो हमें ये ना लगा जाए कि हम उससे भागना चाह रहे हैं या हम उसको नहीं कवर करना चाह रहे, इसलिए उस मुद्दे को उठाया गया। अदरवाइज उस मुद्दे पर इसे कुछ इंस्टीट्यूट ये कॉलेज चलाया जा रहा है कि बेसिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कम अफोर्डेबल रेट पर एडुकेशन प्रोवाइड करना उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, उनका बेटर भविष्य के लिए, क्योंकि जिस प्रांगण से कॉलेज चल रहा था वो बेसिकली पहले पूरा का पूरा कॉलेज के अधीन था, लेकिन क्योंकि जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे उनके डेथ के बाद वो कॉलेज जो है जो वहाँ के जो उनके लीगल हेड थे उन्होंने कई हद तक उसको कब्जा करके उसको रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे में भविष्य जो बच्चों का था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, पढ़ाई उनका हो पाना वहाँ से मुश्किल था, इसीलिए उनकी भविष्य को बेहतर और उनको आगे पढ़ाई में किसी तरीके की दिक्कत ना हो उस कारण से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया, ताकि उनके एडुकेशन में कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कई तरीके का कन्फ्यूजन उनको क्रिएट किया गया। जो बच्चे आज इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो भविष्य में आएंगे, उनको किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कहाँ से ये पूरा एडुकेशन रन कर रहे हैं, उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये पोजिशन है। आज आपके समक्ष जो 3 मेजर मेम्बरान हैं
सोसाइटी के वो मौजूद हैं, क्योंकि सोसाइटी कोई भी अगर डिसीजन लेगा मेजोरिटी के अधीन लेगा। आपके समक्ष तीनों मेंबर प्रेजेंट हैं और वो तीनों आपके सामने बाकायदा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एट मेजोरिटी इन्होंने डिसीजन लिया, वो लीज कैंसिल की गई, नई लीज को अलाउ किया गया लीगली और इस कॉलेज को शिफ्ट किया गया, और भविष्य में जितने भी एडमिशन और जो भी बच्चों की पढ़ाई होगी इस कॉलेज के द्वारा, वो सारा संचालन अभी इसी कॉलेज की प्रांगण से।